हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोग के लिए एक आरसी कार की अनबॉक्सिंग करने वाली हूं, जिसे मैंने अमेजोन से बाय किया है। ये एक रिमोट कंट्रोल आरसी कार है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो है आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए। ये जो है हमारी कार, ये 1/16 स्केल की कार है, जो कि एजेस 3+ इयर्स के बच्चों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ये सुपर 5 मसल आरसी कार है। और इसके साथ साथ क्या इसके फीचर्स हैं वो भी देखिए आप। यहाँ पे फुल फंक्शन रेडियो कंट्रोल विद वर्किंग हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स जो है इसके साथ दी गई है। इसमें आपको जैसा कि सामने से दिख रहा होगा कि इसमें इंजन बाहर की तरफ लगा है। अब फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना मैं इसको खोल लेती हूँ और देखते हैं हमें इसके साथ में और क्या क्या मिला है। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। ओके, यहाँ देखिए मैंने इसको खोल लिया है। अब मैं इसके अंदर के बॉक्स को बाहर निकाल देती हूँ। वाव, देखिए कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है हमारी कार, कितनी सुंदर कार है। देखिए बहुत ही सुंदर है, अच्छी वाली। देखिए कितना मॉडल भी मस्त दिख रहा है और कलर कॉम्बिनेशन तो बस पूछिए मत, इतना सुंदर है। अब इस कार के साथ हमें यहाँ पे कुछ सामान मिला है। ये देखिए इस बॉक्स में क्या है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। पहले हम इस कार को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये ऐसा देखिए कुछ इस तरीके का एंटीना मिला है, मुझे लगता है ये रिमोट में लगने वाला है। अब मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। यहाँ इस तरीके से नीचे की तरफ इसे पैक किया गया है। आपको आसानी से आराम आराम से इसको खोलना है। ये जो हमारी कार है, इसको मैंने अमेजोन से बाय किया था। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो इसे आसानी से बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस कार को पूरी तरह से अनबॉक्स कर लिया है। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। इसका करीब से मैं आपको मॉडल और डिजाइन दिखाती हूँ, किस तरीके की मॉडल में है ये हमारी कार। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है ये कार। देखिए ये जो इसका इंजन है, ये प्लास्टिक का मटेरियल का बना हुआ है। देखिए ये एक प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ इसका इंजन है। और इसके जो डोर्स हैं वो ओपन होने वाले नहीं है, जस्ट शोपीस की तरह इसको यूज किया जा सकता है। वैसे तो अब रेडियो कंट्रोल है तो बच्चे इससे आसानी से खेल सकते हैं। इसमें देखिए आगे की तरफ कुछ हेडलाइट्स दी गई है। यहाँ इंजन में भी कुछ लाइट्स दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आगे 2 लाइट्स दी गई है, इंजन में भी 3 लाइट्स दी गई है। और जो इसके व्हील्स हैं, ये हमारे व्हील्स जो हैं ये प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं। और देखिए कुछ ये मॉडल है इसका। पीछे की तरफ भी कुछ हेडलाइट्स दी गई हैं, पर ये चलती है कि नहीं है वो मैं आपको इसमें रिमोट कंट्रोल डाल के बताऊंगी कि ये वर्किंग है या नहीं है, वर्क करती है या नहीं करती है। और चलिए फिर अब हम इसमें डाल देते हैं बैटरीज इस बॉक्स में, देखते हैं कि क्या इसके साथ में हमें मिला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ देखिए ये बॉक्स को मैं साइड में कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे इस बॉक्स में जो है ये इस तरीके की डबल ए बैटरीज मिली है। ये इस तरीके की पैकिंग में ही है। ये 4 बैटरीज जो है वो इसके साथ इंक्लूडेड है, इस तरीके की ये बैटरीज। और यहाँ पे ये हमें एक छोटा सा चार्जर भी मिल गया है, जिसे आप अडेप्टर में डाल के जब भी आप इस कार को चलाने जाते हैं, उससे पहले आप इस कार की बैटरीज जो है वो निकाल के आप अच्छे से चार्ज कर लीजिए, ताकि ये काफ़ी अच्छे से चल सके। और ये काफ़ी सेफ है कार। और इसका जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका डिस्टेंस है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस है। इससे बच्चे 5-6 कार को लेके अच्छे से इसके साथ में रेसिंग कर सकते हैं और काफ़ी इंजॉय करने वाली है। काफ़ी बच्चे पाके इसे खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये कार काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखिए इसके व्हील्स को भी लेफ्ट राइट करने के लिए इंडिकेटर दिया गया है। देखिए जैसे आप इसको रिमोट से कंट्रोल करेंगे, इसके व्हील्स जो हैं वो आगे और लेफ्ट और राइट की तरफ होने वाले हैं। अब इसके रिमोट कंट्रोल की बात करें तो कुछ इस तरीके का रिमोट कंट्रोल हमें इसके साथ में मिला है। और यहाँ इस रिमोट कंट्रोल के साथ ये इस तरीके का एक एंटीना भी मिला है, जिसे शायद हमें यहाँ पे लगाना रहेगा। चलिए इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ओके, तो चलो ये यहाँ फिक्स हो गया है। यहाँ जो रिमोट कंट्रोल है, इसमें मैंने 2 AA बैटरीज डाली है।
डाली है जो कि इसके साथ इंक्लूड नहीं थी। कुछ इस तरीके की बैटरीज जो हैं वो मैंने इसके साथ डाली है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल रहती है, आप लाके इसे इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ पीछे की तरफ आप जैसा देखेंगे तो यहाँ आपको बैटरीज लगानी रहेगी इसको खोल के। और ये देखिए यहाँ पे इसके कुछ ये दिए गए हैं ट्रिगर्स, इनकी सहायता से आपको यहाँ पे ये ट्रिगर जो है ये बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए और ये वाला जो है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे भी कुछ स्विचेस दिए गए हैं, ये स्विचेस तो बस ऐसे ही दिए गए हैं। इसमें ये एक स्विच है जो लाइट के लिए और साउंड के लिए, देखिए इसमें यहाँ पे गौर से देखिए एक साइन भी बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए, ये देखिए एक साइन है, ये लाइट के लिए और म्यूजिक के लिए दिया गया है। अब इसमें रिमोट कंट्रोल जो है, मैंने बैटरीज डाल ली है तो इसमें देखिए इसको मैं चला रही हूँ तो एक इस तरीके की मिडिल में इसमें एलईडी जलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर की। तो अब हम कार में जो है फटाफट से बैटरीज को इंसर्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसको चला के कि ये कैसी चलती है, चलाने में कैसी है, स्मूथ है या हार्ड है, वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इस कार में बैटरीज को डाल के इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है, बैटरीज को मैंने लगा दिया है। अब इसके यहाँ जो रेड कलर का आपको स्विच दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का स्विच आप इसकी सहायता से इसको ऑन कर लीजिए। अब मैंने इसका स्विच जो है वो कार का ऑन कर लिया है। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इस कार का जो वेट है वो ऑलमोस्ट 940 ग्राम्स है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है। और साइज तो आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये चलाने में कैसी है, स्मूथ है या नहीं है। यहाँ देखिए इसके व्हील्स की तरफ आप देखिए, ये जो मैं लेफ्ट एंड राइट वाला जो टिगर दबा रही हूँ उसके साथ इसके व्हील्स जो हैं लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए। तो ये तो हमारा ये लेफ्ट एंड राइट वाला ट्रिगर हो गया। अब इसका ये भी देख लेते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला भी। ओके, तो ये जो है इसका ट्रिगर आप दबाएंगे तो इसके पीछे वाले व्हील्स चलने वाले हैं। यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके की ये आवाज कर रही है, देखिए चलाने पे कुछ इस तरीके की आवाज कर रही है, ये देखिए। ये इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला व्हील है। अब इसका म्यूजिक वाला सिस्टम भी हम देख लेते हैं कि इसमें, यहाँ देखिए म्यूजिक के लिए कुछ होल दिए गए हैं, यहाँ इसका रहेगा म्यूजिक सिस्टम। अब इसको मैं चालू करके देखती हूँ। ओके, चलिए हमने यहाँ पे म्यूजिक एंड लाइट का भी सिस्टम ऑन कर लिया है। यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आगे की दो LEDs हैं वो ब्लिंक कर रही है, और जो इसका इंजन दिया गया है इस तरफ आप देख पा रहे हैं, इंजन के अंदर जो है यहाँ पे भी लाइटिंग हो रही है रेड एंड ब्लू में, देखते हैं। ओके, यहाँ देखिए आप पीछे की तरफ जो है इसमें भी 3 LEDs दी गई हैं, वो तीनों ब्लिंक कर रही है। देखिए इसकी जो LED है वो आगे और पीछे में दोनों तरफ ब्लिंक कर रही है, और कुछ इस तरीके का सायरन सा बज रहा है इस कार में। बहुत ज़्यादा सॉलिड वॉइस नहीं है, स्लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ साउंड ज़रूर है इसमें, और कुछ खास म्यूजिक नहीं है। अब मैं इस बटन को प्रेस करके वापस देखती हूँ पता चले क्या है इसमें। ओके, तो ये इसको जो बटन दिया गया है यहाँ पे म्यूजिक वाला, ये इसको सिर्फ ऑन और ऑफ करने के लिए दिया गया है। केवल आप इससे ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं इस वाले बटन से। मैं एक बार आपको फिर से इसको ऑन और ऑफ करके बता देती हूँ, देखिए कुछ ऐसा साउंड इसमें आएगा। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड चलने के साथ डिफरेंट डिफरेंट साउंड दे रही है। जब ये फॉरवर्ड चल रही है तो अलग साउंड दे रही है, और जब ये बैकवर्ड चल रही है तो अलग सा साउंड दे रही है। इसकी डिस्टेंस टेस्टिंग जो है वो भी मैं करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जो मेरी टेबल है यहाँ पे स्पेस कम है, इसकी वजह से मैं टेस्टिंग नहीं कर सकती। और इसके व्हील्स किस तरह चल रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं नज़दीक से। देखिए ये इसका साउंड है, इस तरीके से इसके पीछे के व्हील्स जो हैं वो चलते हैं। अब इसकी खुले में है एकदम
ओपन एरिया में हम इसकी डिस्टेंस टेस्टिंग जो है वो भी करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी इसकी रेंज क्या है, स्पीड क्या है, वो आप उस टेस्टिंग के जरिए देख सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया है तो प्लीज से आप लाइक का बटन हिट कर दीजिए और आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।